रुकजा में हुई बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही बारिश ने अन्नदाता को फिर से बड़ी परेशानी में डाल दिया है। बारिश के कारण किसानों की धान भीगने से सड़ने के कगार पर पहुंच गई है। अब इस स्थिति में धान समिति ने किसानों से धान लेने से इनकार किया है, जिससे किसानों पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। दूसरी ओर समिति प्रबंधन ने बारिश को देखते हुए तिरपालों और प्लास्टिक से धान के बोरों को ढक दिया है। इसको तीन पानी खा गया ये धान। मैं सोचा इसको उठवाऊं, उठवाने का मौका ही नहीं मिला, पानी पानी गिरते चला गया। अब इसमें मेरा 50-55 हजार रुपये लागत लगा है, जो 20-30 हजार रुपये इसमें मेरे को मिलता वो भी गया, लागत भी गया। समझिए, तीन पानी खा चुका है, एक आध पानी और गिरा तो पूरा खत्म हो जाएगा। साल में उसको यही है कि थोड़ा दाग आ जाएगा धान में, पानी का जो खरही लगा है उसमें भी जितना भीगेगा वो तो आएगा ही, नुकसान है किसान को, यहाँ वो धान बिकेगा नहीं। तो समस्या आया था, पर समिति ने जितने खरीदे गए धानों का व्यवस्था हेतु हम लोग तिरपाल का व्यवस्था पहले से किए हुए थे, जिस कारण समिति ने सरगुजा के मौसम में अचानक आए बदलाव से और लगातार 3-4 दिन से बारिश होने से सरगुजा के कई किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। वहीं समिति और प्रबंधन की बात करें तो उन्होंने तो तिरपाल और कई व्यवस्थाओं के साथ धानों को बचा लिया, लेकिन जिन किसानों ने अपने खेतों में धान को छोड़ दिया और कटाई मिसाई समय पर नहीं कर पाए और धान समिति केंद्र में धान को नहीं ले जा पाए, उन किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सुजीत के साथ मैं राम कुमार, स्वराज एक्सप्रेस, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।